नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पास में जो बेल आइकन है, घंटा है, उसको जरूर दबा दें ताकि आप सभी को आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये आपके लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल फ्री भी, तो ज़रूर ये चीज़ कर लीजिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए ये है कि हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लें, जिसकी जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। 2900 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी हमारे चैनल के साथ ज्वाइन हो चुके हैं और फ्री टिप्स का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो आप लोग अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन ना हुए हो तो ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि लाइनअप के बाद जो भी मेरी फाइनल टीम होगी, जो भी मेरी अपडेट होगी कैप्टन वाइस कैप्टन को लेकर, वो सभी मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराऊंगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको कमेंट में लिंक मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट होगा वो मेरे चैनल की लिंक होगी। जैसे आप उस पर एक टैप करेंगे, हमारे सीधे चैनल पे पहुंच जाएंगे। 2900 से ज़्यादा लोग आपको ऑलरेडी वहां पर ज्वाइन दिखेंगे, तो आपको भी ज्वाइन कर लेना है और आप भी वहां पर फ्री टिप्स का प्रॉफिट उठा सकते हैं। मेरी जो भी 100% विनिंग टीम होती है वो मैं वहीं पर शेयर करता हूँ, तो ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ये भी आपके लिए बिल्कुल फ्री रहने वाला है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं जो मैच कवर करने वाला हूँ वो है ACS T10 बार्सिलोना का आज के दिन का पहला मुकाबला। सीरीज़ वाइज देखा जाए तो 11वां मुकाबला जो यहाँ पर खेला जाने वाला है 11 स्टार वर्सेस मैन इन ब्लू के बीच में। तो इन दोनों टीम्स का मैं आपको फुल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। इस टीम के मैं आपको प्लेयर स्टेट्स बताऊंगा, मैन इन ब्लू के लास्ट मैचेस के स्टेट्स बताऊंगा, किनके प्लेयर ने लास्ट मैच में कैसा परफॉर्मेंस किया था। जो यहां पर टीम 11 स्टार है वो अपना पहला मुकाबला खेलेगी टूर्नामेंट का, जबकि जो मैन इन ब्लू है वो अपना दूसरा मुकाबला यहां पर खेलेगी। पहला मुकाबला उनका हो चुका था पहला मैच। तो चलिए अब मैं आपको नोट्स की तरफ ले चलता हूं और आपको इस मैच से जुड़े सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां दे देता हूं। तो मैं बात करूं टाइमिंग की, तो टाइमिंग आप सभी को पता होगी, 1 बजे ये मैच होगा। वेन्यू की मैं बात करूं तो माउंट ज्यूइक ओलंपिक ग्राउंड में ये मैच खेला जाने वाला है। हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो दोनों टीम्स एक दूसरे के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेलेंगी इस टूर्नामेंट में। वेदर रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो 10% चांसेस हैं रेन के, यानी ना के बराबर हैं, तो आप लोग इस मैच में अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। फैंसी क्रिकेट एक्सपर्ट टिप की अगर मैं बात करूँ तो हवा मतलब वेदर है वो सीमर्स यानी तेज गेंदबाजों को मदद करेगा। 11 स्टार्स की मैं बात करता हूँ प्लेइंग 11 की, तो इनकी तरफ से आपको तबीस कोकस देखने को मिलेंगे जिन्होंने 238 रन अभी तक बनाए हैं। आमिर सोहेल देखने को मिलेंगे जिनके नाम 45 रन है। उस्मान साहब को देखने को मिलेंगे जिन्होंने 23 रन एक विकेट निकाला है। ईसन उल्ला देखने को मिलेंगे जिन्होंने 30 रन एक विकेट निकाला है। तनवीर शाह देखने को मिलेंगे जिन्होंने 232 रन 13 विकेट निकाले हैं। उमर रियाद देखने को मिलेंगे जिनके नाम 5 विकेट है। आसिफ महमूद देखने को मिलेंगे जिनके नाम 140 रन है। मुनीब इशफाक देखने को मिलेंगे जिनके नाम 52 रन 5 विकेट हैं। जुबैर अहमद देखने को मिलेंगे जिनके नाम 47 रन 4 विकेट हैं। आमिर हमजा जिनके नाम 53 रन और यहाँ पर साजिद रियाज देखने को मिलेंगे जिनके नाम यहाँ पर 75 रन आपको देखने को मिल जाएंगे। बात करूँ मैं सबसे पहले इस टीम के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो आमिर हमजा इस टीम के लिए विकेट कीपिंग करेंगे। तबीस कोकस और आसिफ महमूद इस टीम के मेन बैट्समैन रहने वाले हैं। तनवीर शाह जुबैर अहमद इस टीम के मेन ऑलराउंडर हैं। उमर रियाज उस्मान शाह इस टीम के मेन गेंदबाज रहने वाले हैं। अब मैं बात करता हूँ मैन इन ब्लू की, तो मैन इन ब्लू की तरफ से आपको जो शुभदीप देव देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने पिछले मैच में 14 रन बनाए थे और ये आपको इनिंग की शुरुआत करते हुए नजर आ जाएंगे। अतुल केसर ने पिछले मैच में बहुत ही कमाल की बॉलिंग की थी, 2 विकेट इन्होंने निकाले थे। उसके अलावा यहां पे शंकर कलीगातला ने यहां पर 51 रन बनाए थे। निखिल चौधरी ने भी 1 विकेट अपने नाम किया था। कुरुप्पुस्वामी सुंदर पांड्या ने यहां पर 8 रन विकेट एक भी नहीं निकाले थे। रमा क्रंती ने भी 1 विकेट हासिल नहीं किया था। संजीव तिवारी ने भी बल्लेबाजी नहीं की थी। अभिषेक बोरिकर ने यहां पर ओवर कराए थे कंप्लीट अपने, लेकिन विकेट इनको भी नहीं मिला था। सचिन सुदर्शना ने यहां पर 2 विकेट निकाले थे। परमजोत रंधावा ने भी यहां पर बैटिंग नहीं की थी और यहां पर ना ही रिंगो सियोल ने बैटिंग की और ना ही बॉलिंग की। तो सबसे पहले मैं बात करूं संजीव तिवारी इस टीम के लिए विकेट कीपिंग करेंगे। शंकर कलीगतला और शुभदीप देव इस टीम के मेन बैट्समैन हैं और आपको इनिंग की शुरुआत करते हुए देखने को मिलेंगे। कुरुप्पुस्वामी सुंदर पांड्या रिक्की सोहेल इस टीम के मेन ऑलराउंडर्स हैं। अतुल केसर सचिन सुदर्शना इस टीम के मेन बॉलर्स रहने वाले हैं। बात करूँ इस मैच में आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बना सकते हैं, देखिए कैप्टन आप लोग यहाँ पर तनवीर शाह को बना सकते हैं जिनके नाम 232 रन और 13 विकेट हैं। तबीश कोकस को बना सकते हैं जिनके नाम 238 रन हैं। जुबैर अहमद एक अच्छी ऑप्शन है कैप्टन के जिनके नाम 47 रन 4 विकेट हैं। शंकर कलीगतला को बना सकते हैं जिनके नाम 51 रन है। अतुल केस्टर को बना सकते हैं जिनके नाम 2 विकेट है पिछले मैच में। कुरुप्पुस्वामी सुंदर पांड्यान को रख सकते हैं जो अपना 2 ओवर स्पेल कराएंगे, साथ में बैटिंग भी करेंगे, इनके नाम 8 रन है। बात करूं अगर यहां पर मैं 2 ऐसे प्लेयर्स की जिनको आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है, वो ऐसे 2 प्लेयर्स हैं अतुल केसर जिनके नाम 2 विकेट हैं और दूसरे हैं कुरुप्पुस्वामी सुंदर पांड्यान जिनके नाम 8 रन है, विकेट नहीं है लेकिन 2 ओवर का स्पेल कराएंगे, बैटिंग भी करेंगे।
तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अभी तक बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आप लोगों ने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लेंगे, पास में जो घंटा उसको भी आप लोग जरूर दबा देंगे ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। बाकी अगर आप लोग किसी भी फॉर्मेट पर प्ले कर रहे हो और अगर आपको उसकी फाइनल टीम चाहिए बिल्कुल फ्री में 100% विनिंग टीम चाहिए तो उसके लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट में दे दूंगा। जैसे ही आप लोग कमेंट सेक्शन में जाएंगे आपको पहला कमेंट देखने को मिलेगा, वो हमारे चैनल का लिंक होगा। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे सीधा आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। 2900 से ज्यादा लोग ऑलरेडी वहां पर ज्वाइन है और फ्री टीम्स का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो आप लोग अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन ना हुए हो तो जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं चलता हूं ड्रीम इलेवन की तरफ और आपको वहां पर एक कमाल की टीम प्रोवाइड कर देता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर विकेट कीपर सेक्शन की, उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स यहां पर क्लियर कर देता हूं। देखिए आपको जो टीम क्रिएट करनी है वो मैन इन ब्लू के फेवर में करनी है। 11 स्टार्स के आपको कुछ ही मैन प्लेयर्स को अपनी टीम में पिक करना है क्योंकि जो मैन इन ब्लू है वो अपने मैचेस यहां पर खेल चुकी है टूर्नामेंट में और यहां पर जो 11 स्टार्स है वो पहला मुकाबला खेलेगी। मैन इन ब्लू का हमें कन्फर्म प्लेइंग 11 पता चल चुका है, कन्फर्म बैटिंग ऑर्डर हमारे पास है, कौन से बॉलर डेथ ओवर्स में बॉलिंग कराएंगे इसका भी रिकॉर्ड हमारे पास है, लेकिन 11 स्टार्स के अभी तक कोई भी स्टेट्स कन्फर्म स्टेट्स हमें नहीं पता है। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा प्लेयर मैन इन ब्लू के लेने की कोशिश करिएगा। अगर यहां पर मैं बात करूं विकेट कीपर सेक्शन की तो यहां पर आपके लिए दो पिक हैं, तिवारी और यहां पे हमजा की। तो देखिए मैं तिवारी को नहीं अपनी टीम में पिक करूंगा, पिछले मैच में अगर मैं देखूं तो इन्होंने रन नहीं बनाए थे, विकेट कीपिंग से इन्होंने भले ही पॉइंट किए हों, देख सकते हैं कि इन्होंने खाली एक कैच पकड़ा था, तो इसलिए मैं इनको नहीं ट्राई करूंगा, मैं यहाँ पे ए हमजा को ट्राई कर लूंगा। उसके अलावा अगर यहाँ पे जथान खेलता है तो ये भी बहुत ही अच्छा प्लेयर है अपनी टीम के लिए, मैन इन ब्लू के लिए वो हार्ड हिटिंग करने में एक्सपर्ट है, तो अगर ये खेलेगा तो मैं इसको जरूर ट्राई करूंगा, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर मैं ए हमजा को अपनी टीम में जगह देना चाहूंगा। बैटिंग की मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे काली कतला को ही अपनी टीम में पिक करूंगा जो कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए आपको नजर आएंगे, पिछले मैच में 51 रन बना के आ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट प्लेयर हमारे लिए है तो इसको मैं पिक करूंगा। बाकी यहाँ पर टी कोकस को मैं अपनी टीम में पिक करूंगा। उसके अलावा यहाँ पर देव हो गए, इनको भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है आपके लिए, हार्ड हिटर है, इसको पिक करना है। उसके अलावा सेन गुप्ता पिछला मैच नहीं खेले थे पर अगर खेलता है तो ये भी आपको ओपन करते हुआ नजर आ सकता है। बाकी यहां पर ये महमूद की पिक है तो यहां पर मैं इनको पिक कर लेता हूं। तो टोटल मैंने यहां पे 4 बैट्समैन को अपनी टीम में जगह दी है, 2 बैट्समैन हमारे 11 स्टार्स के हो गए हैं, 2 बैट्समैन हमारे मैन इन ब्लू के हो गए हैं। अलाउंडर सेक्शन में आपके लिए यहाँ पे टी सा मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक है, आपको इनको पिक कर लेना है। दूसरी पिक आपके लिए यहाँ पे के सुंदर पांड्यान की आने वाली है, 2 ओवर का स्पेल करेंगे प्लस बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं और नंबर 3 पर भी आकर बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक है, कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे देखा जाए तो सियोल हो गए हैं, बहुत ही अच्छा प्लेयर है लेकिन पिछले मैच में ना ही इसको बॉलिंग मिली थी ना ही इसको बैटिंग मिली थी, लेकिन किसी भी मैच में आकर ये बॉलिंग करा सकता है और 1 ओवर में 2 से 3 विकेट ले सकता है, तो जीएल में आप लोग जरूर ट्राई करिएगा, हेड टू हेड में भले ही आप लोग इसको ट्राई ना करें। बाकी यहाँ पर सिराज की पिक है, मैं यहाँ पर इनको भी कर लेता हूं, तो टोटल में आज 3 ऑलराउंडर्स को अपनी टीम में पिक करूंगा। बॉलिंग में देखिए यहां पर मैं बोरिकर को पिक करूंगा और यहां पे 1 केसर को पिक करूंगा। बाकी यहां पर देखिए यूरियाज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। उसके अलावा यहां पर मैं नीचे एक और बॉलर की मैं बात करूं तो सचिन सुदर्शना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी निखिल चौधरी भी एक इंपॉर्टेंट गेंदबाज है, तो चाहे तो आप लोग यहां पर सिराज को ड्रॉप कर सकते हैं, इनको ड्रॉप करने के बाद आप लोग यहां पर यूरियाज को पिक कर पाएंगे। उसके अलावा यहां पर आप सचिन सुदर्शना को अपनी टीम में पिक कर पाएंगे क्योंकि जो ये गेंदबाज हैं बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं अपनी टीम के लिए और ये जो प्लेयर्स हैं वो विकेट निकाल सकते हैं, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो आपको टीम क्रिएट करनी है वो मैन इन ब्लू के फेवर में करनी है क्योंकि हो सकता है कि मैन इन ब्लू की टीम 11 स्टार्स को ऑलआउट कर दे, तो इसीलिए मैंने उनके टीम्स के ज़्यादा से ज़्यादा बॉलर्स अपनी टीम में पिक कर लिए हैं। बाकी अगर आप चाहें तो बोरिकर को जगह पर आप लोग यहाँ पर सिराज को ले सकते हैं, एक बैलेंस टीम बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बैलेंस टीम नहीं बनाऊंगा, मैं एक तरफा टीम बनाऊंगा क्योंकि अगर हमारे ये प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर देते हैं तो सारे कॉन्टेस्ट हम लोग वन साइडेड विन करेंगे। अपनी इस टीम में अगर मैं बात करूं कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी की, मैं किस प्लेयर को कैप्टेंसी और किस प्लेयर को वाइस कैप्टेंसी देना चाहूंगा, तो देखिए कैप्टेंसी यहाँ पर कली गतला से अच्छी कोई पिक नहीं रहेगी, वाइस कैप्टेंसी आप लोग यहाँ पे सुंदर पांड्यान को भी दे सकते हैं। बाकी यहाँ पे टी शाह को मैं वाइस कैप्टेंसी दूंगा क्योंकि ये भी बहुत ही अच्छा प्लेयर है, 2 ओवर का स्पेल कराएगा, साथ में बैटिंग अच्छी करेगा, तो इसलिए मैंने इसको वाइस कैप्टन बनाया है। बाकी आप बनाना चाहें तो सुंदर पांड्यान को बना सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं तनवीर शाह को ही अपना वाइस कैप्टन बनाऊंगा। बाकी यहां पे कोकस की भी बहुत ही कमाल की पिक रहने वाली है, तो एक बार आप लोग हमारी टीम का प्रीव्यू देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों मैं अपनी टीम को सेव कर देता हूं, ये हमारी टीम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जहां पर भी आप लोग प्ले कर रहे हैं वहां पर जाकर आप लोग हमारी इस टीम को सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों ने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, पास में जो घंटा उसको भी जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ये आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल फ्री भी है तो जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं किसी भी मैच की लाइनअप किसी भी मैच की फाइनल टीम आपको मिल जाए सबसे पहले
तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसकी जो लिंक है वो मैंने कमेंट में दे दी है। 2900 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं हमारे चैनल पे, तो अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जाकर आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जितने भी मैचेस हैं जहाँ पर भी आप इन्वेस्ट करते हैं ऑलवेज विन करें, हमारे टीम मैनेजमेंट से, हमारे टीम कॉम्बिनेशन से। तो दोस्तों मिलूंगा मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।